देखोगे यहाँ पे ध्यान से, हमने आपको क्या बताया अभी, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, जब किलोमीटर में से मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर में कितना सोना, और जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर में किससे भाग करते हैं, बस यही बात हम किसमें याद रखेंगे, एक किलोग्राम में कितना ग्राम, फॉलो करेंगे यहाँ पे किलोग्राम को, अगर किलोग्राम को अगर हमें किसमें चेंज करना है ग्राम में, तो क्या करते हैं किलोग्राम के अमाउंट में हजार से क्या करेंगे, गुना करेंगे, जब किलोग्राम में दिया रहे और किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में बदलना है तो हजार से क्या करेंगे उसमें गुना करेंगे, अगर ग्राम में दिया रहे और उसको किलोग्राम में बदलना रहे तो जो ग्राम है उसमें क्या करेंगे हजार से डिवाइड करेंगे, क्लियर याद रखना, जब ये बड़ा अमाउंट आएगा तो छोटे से पूछेगा तो गुना करेंगे, और जब छोटका आएगा बड़का पूछेगा तो यही छोटका वाले से क्या करेंगे उसमें समझ में आ रहा है, के जी आएगा तो ग्राम बदलने के हजार से गुना, जब ग्राम आएगा तो ग्राम खुद छोटा होता है ग्राम बदलने के लिए हजार से, सिंपल स्टेप में याद रखेंगे है कि नहीं, और तुम ध्यान दीजिए 1 रुपया में कितना पैसा होता है, पैसा ध्यान रखेंगे एकदम वही बात है, अरे रुपया बड़ा होता है कि पैसा बड़ा, अब सुनिएगा अगर बड़े चीज को यानी कि रुपीज को यानी कि रुपया क्या होता है बड़ा होता है, अगर इसको चेंज करना हो मेरे भाई पैसे में तो इस जो रुपया है इसमें कितना से गुना कीजिएगा, हमारा बड़ा आएगा तो छोटे वाले में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं जितना अमाउंट यहाँ पर आता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक रुपये में कितना पैसा है 100 पैसा, तो 100 पैसा से ही बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, रुपया बड़ा होता है तो रुपया को चेंज करना है छोटे, बड़का को छोटका में चेंज करना है तो बड़का वाले में हम क्या करेंगे 100 से जहाँ जी रिजाउंड छोटका पूछा, अगर जहाँ जी पैसा के बारे में पूछा समझ रहे मेरी बात को, अगर पैसा के बारे में पूछा कि पैसा से रुपया में चेंज करो तो छोटा से बड़ा में जा रहे हो, छोटा से बड़ा में जा रहे हो तो गुना नहीं करना, क्या करना है